Hello students, welcome to our class. So today we are going to start our chapter number 15, that our school. School के बारे में आज हम पढ़ेंगे. यहाँ पे हम पढ़ते हैं important things. So open your book, page number 92. So यहाँ पे देखो एक बच्चे होते हैं रामा. तुम्हारा जैसे एक बच्चे, तुम्हारा एक बच्चे standard one का बच्चे का नाम तो मुझे पता नहीं. फिर भी एक बच्चे याद करता हूँ किसका है. ठीक है, लड़की का नाम है, क्या आ रहा है, क्या आकांक्षा, आराध्या. ओके सो आराध्या, मान लो आराध्या बोल रहा है, आई एम आराध्या. आराध्या बोल रहा है कि आई एम आराध्या, आई एम रहीम फ्रेंड. मैं रहीम, रहीम रहीम है तो उसका फ्रेंड कौन है और क्या नाम है, और सीता है. आराध्या बोल रहा है कि सीता, आई एम सीता फ्रेंड, सीता फ्रेंड. वी गो टू द सेम स्कूल टू द स्टडी. हम सेम स्कूल जाते हैं स्टडी करने के लिए. हमारा स्कूल का नाम क्या है, डीएवी पब्लिक स्कूल खमार. ये सुनो, डीएवी पब्लिक स्कूल खमार. स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल रिसीव एजुकेशन. तो व्हाट इज स्कूल, व्हाट इज स्कूल, स्कूल क्या है. स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल रिसीव एजुकेशन. स्कूल ऐसा जगह है जहाँ पे, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन, स्कूल एस जगह है, स्कूल एक प्लेस है, इंस्टीट्यूशन है, वेयर चिल्ड्रेन और यंग पीपल, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, यंग पीपल भी पढ़ते हैं, रिसीव एजुकेशन. क्या रिसीव करते हैं, एजुकेशन. तो एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा, शिक्षा क्या, शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करते है जो चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल. हम भी तुम्हें पढ़ाता हो, कुछ भी सीखने के लिए मिलते हैं. हम तुम्हें जब पढ़ते पढ़ाते हो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ मुझे भी बहुत सारे सीखने के लिए मिलता है. तो मैं कहाँ पर तुम्हें पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ. अभी तो कोरोना के वजह से ऑनलाइन वीडियो हो रहा है, नहीं लेकिन पिछले साल हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे. स्कूल में मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ मैं, मुझे भी शिक्षा मिलता है, आपको शिक्षा मिलता है. और स्कूल में और कौन कौन पढ़ते हैं, चिल्ड्रन पढ़ते हैं, बड़े बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं. तो स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल रिसीव एजुकेशन. क्या रिसीव करते हैं, शिक्षा रिसीव करते हैं, एजुकेशन रिसीव करते हैं. और स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग. तो आराध्या बोल रहे हैं आवर स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग. हमारा स्कूल के एक बड़ा बिल्डिंग है, हमारा स्कूल में एक बड़ा बिल्डिंग है. हमारा बड़ा बिल्डिंग है नहीं है, इट हैज मेनी क्लासरूम. हमारा स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम होता है, नहीं 10 या 11 क्लासरूम हमारा स्कूल में है, नहीं है. तो सम स्कूल बड़ा होता है, सम स्कूल छोटा होता है. सम स्कूल बहुत सारे फ्लोर होते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग होके बड़ा बड़ा फ्लोर होते हैं, सम स्कूल छोटा छोटा होता है. तो हमारा ज्यादा फ्लोर नहीं है, लेकिन हमारा बहुत सारे रूम है, 10 to 11 रूम है. इट हैज अ बिग असेंबली हॉल. ओके, हमारा तो असेंबली हॉल नहीं होता है, एक असेंबली हॉल होता है. क्या होता है, असेंबली हॉल. हमारा बंद काम चल रहा है असेंबली हॉल के लिए. तो असेंबली हॉल क्या है, बड़े स्कूल में क्या होता है, असेंबली हॉल में क्या होता है, मीटिंग वगैरह होता है, वहां पे डिबेट वगैरह जो देते हैं, बड़ा सा हॉल में मीटिंग होता है, डिबेट वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है, ये असेंबली हॉल में भी सब होता है. वी असेंबल देयर फॉर द मीटिंग मॉर्निंग असेंबली. ऑल द फंक्शन ऑफ आर असेंबली हॉल में, और क्या करते हैं, असेंबली हॉल में प्रेयर, जो मॉर्निंग प्रेयर होता है असेंबली हॉल में करते हैं. ऑल द फंक्शन ऑफ आर स्कूल आर हेल्ड इन दिस हॉल. जो फंक्शन होता है, डांस वगैरह में बोला, तो डांस वगैरह सब कहाँ पे होता है, असेंबली हॉल में होता है. कहाँ पे होता है, असेंबली हॉल में होता है, ना कि हमारा नहीं है. आर स्कूल हैज अ बिग प्ले ग्राउंड. हमारा स्कूल के साइड में प्ले ग्राउंड है या नहीं, बड़ा सा जो प्ले ग्राउंड है या नहीं, फील्ड है. वेयर वी प्ले वेरियस गेम. जहाँ पे भी हमारा जो एनुअल स्पोर्ट्स कहाँ पे हो रहा था, वो फील्ड में, वहाँ पे हम बहुत सारे जो क्या प्ले ग्राउंड में हम खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं. और स्कूल हैज प्रिंसिपल रूम. हमारा स्कूल में प्रिंसिपल रूम होता है, ऑफिस रूम होता है, बिसाइड द लाइब्रेरी. और क्या है, हमारा स्कूल में
प्रिंसिपल रूम होता है, प्रिंसिपल रूम हमारे स्कूल में नहीं है लेकिन ऑफिस है या नहीं, ऑफिस है। और क्या है, लाइब्रेरी है, हमारा स्कूल में लाइब्रेरी नहीं, तो लाइब्रेरी किसे बोला जाता है, लाइब्रेरी ऐसा होता है कि वहां पे तुम्हें हर टाइप का बुक मिल जाता है, वहां पे तुम हर टाइप का बुक लेके पढ़ पाओगे, लाइब्रेरी हॉल में बैठ के हर टाइप का बुक पढ़ पाओगे, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। बड़ा बड़ा कॉलेज स्कूल में लाइब्रेरी होता है, छोटे छोटे स्कूल में नहीं होते। वी रीड बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या करते हैं, वी रीड बुक इन द लाइब्रेरी। आवर स्कूल हैज अ म्यूजिक रूम ऑल्सो, वी लर्न म्यूजिक देयर। कुछ कुछ स्कूल में क्या होता है, म्यूजिक रूम होता है, वहां पे हम म्यूजिक सीखते हैं। देर आर वाटर कूलर एंड टॉयलेट इन आवर स्कूल, देर आर कैंटीन इन आवर स्कूल। तो बड़ा बड़ा स्कूल में कैंटीन होता है, कैंटीन का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारा खाना मिलता है, टिफिन करते हैं, खाना मिलता है कैंटीन में, बड़ा बड़ा स्कूल में कैंटीन होता है, लेकिन हमारा स्कूल में कैंटीन नहीं है। आवर स्कूल ऑल्सो हैज ए सिक रूम, कुछ कुछ स्कूल में सिक रूम होता है, सिक का मतलब क्या है, सिक पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सिक बीमार जिसको हो जाना, बीमार जिसको होते हैं, बीमार बच्चे के लिए सिक रूम होता है, द सिक चिल्ड्रन रेस्ट इन द रूम। जिसको बीमार या बुखार होता है वो जाके सिक रूम में रेस्ट लेता है, कहाँ पे रेस्ट लेता है, सिक रूम में। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल, द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ आवर स्कूल। हमारा स्कूल का कौन हेड है, प्रिंसिपल। हमारा स्कूल का हेड कौन है, प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल कौन है, तुम्हारा मेरा प्रिंसिपल है अविनाश सामल, मिस्टर अविनाश सामल, मिस्टर अविनाश सामल इज योर प्रिंसिपल। हु इज योर प्रिंसिपल, मिस्टर अविनाश सामल। हु इज योर चेयरमैन, मिस्टर अतुल्य कुमार नायक। हु इज योर एमडी मैम, मैनेजिंग डायरेक्टर, मिसेस झरना रानी बेहरा, मिसेस झरना रानी बेहरा। ही लुक्स आफ्टर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द स्कूल, स्कूल का प्रॉपर वर्किंग हो रहा है नहीं कौन दिखते हैं, प्रिंसिपल दिखते हैं। स्कूल का प्रॉपर काम हो रहा है नहीं वो कौन दिखता है, प्रिंसिपल दिखता है। द टीचर्स हेल्प अस टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट, तुम्हें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कौन हेल्प करता है, ऑब्वियसली टीचर हेल्प करते हैं, हम हेल्प करते हैं नहीं, टीचर हेल्प करते हैं, टीचर्स हेल्प करते हैं तुम्हें वेरियस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर फ्रॉम देम, हम और क्या हम सीखते हैं, गुड हैबिट सीखते हैं, गुड मैनर सीखते हैं, किसे सीखते हैं, टीचर से। मैं हमेशा बता रहा हूँ नहीं कि टीचर को जब जहाँ पे भी तुम बड़े तो को देखोगे प्रणाम करोगे, पापा मम्मी को प्रणाम करोगे, टीचर को प्रणाम करोगे, उसको विश करोगे, ओके। तो ये कौन सिखाता है तुम्हें, टीचर सिखाता है, टीचर सिखाता है मेहनत करो, अच्छा पढ़ाई करो, तुम जीवन में बड़ा जो हो जाओगे, बोलते हैं नहीं, कौन बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। The trend us to draw, paint and work together. We learn to share our things with our friend. और क्या है, हम हमारा जो things, हमारा मन का जो भावना को हमारा friend के बीच में share करते हैं। तुम अभी घर में हो, school नहीं आ पा रहे हो, तो वहाँ पे तुम share किसी को कर पा रहे हो क्या, नहीं। लेकिन school में बहुत मजा आ रहा था, नहीं मजा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे friend है, teacher है, सब है, नहीं। We love our school very much. तो आराध्य बोल रहा है, वी लव आवर स्कूल वेरी मच, मैं मेरा स्कूल को बहुत पसंद करता हूँ, बड़ा बड़ा लव करता हूँ। एवरीवन शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, तो तुम्हें सबको रेगुलरली क्लास आना चाहिए, स्कूल आना चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे नहीं आना चाहिए, हर दिन तुम्हें स्कूल आना चाहिए। तो स्कूल एक इम्पोर्टेंट चीज है, नहीं प्रिंसिपल होते हैं, लाइब्रेरी रूम होता है, सिक रूम होता है, नहीं तो हमें हर दिन स्कूल आना चाहिए। सो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड, तुम्हारा चैप्टर कम्प्लीट हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो यार तो मुझे कॉल कर सकते हो, थैंक यू।